दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज पर। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 2015 का जो पेपर था जिसमें 50 क्वेश्चन आए हुए थे वो हम कर चुके हैं। इसके अंदर 75 क्वेश्चन है, क्योंकि पहले क्या होता था कि दो पेपर होते थे, प्रश्न क्वेश्चन पेपर सेकंड और थर्ड, एक में 50 होते थे, एक में 75। तो 50 वाला हम कर चुके हैं, ये 75 वाला है। तो हम ये करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वैदिक यज्ञों में से जिनका राजस्व के साथ सीधा संबंध था कौन कौन से थे? तो ये था अश्वमेध, राजसू और वाजपेय, तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसके अंदर डिटेल दी गई है। अगर मैं थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ दिया करूँगा दोस्तों, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा और लंबी वीडियो बनेगी, तो आप इसमें पढ़िए कि वाजपेय एक प्रकार का क्या था, स्रोत यज्ञ है। सत्व ब्राह्मण के अनुसार यह यज्ञ ब्राह्मण क्षत्रियों के द्वारा ही करणीय है। रथ दौड़ इस यज्ञ का आवश्यक अंग है। इसके अंदर क्या है, रथ दौड़ होती थी और इसका एक आवश्यक अंग थी राजसु जो यज्ञ था, वाजपेयी था जो इसके अंदर ये रथ दौड़ होती थी। अश्वमेध मुख्यतः क्या था, राजनीतिक यज्ञ था। इससे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य सभी नरेश मानते थे। राजसु यज्ञ में धरती के एक निश्चित भाग को जीतकर वहाँ के राजाओं को कर वसूल कर यज्ञ किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो ये दिए थे कौशल के अंदर, जो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी वहाँ पर, और यहीं उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। और यहीं पर उनके ज़्यादा शिष्य, जो बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य थे, श्रावस्ती से ही संबंध रखते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ये लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में जो पेपर हुआ है लास्ट टाइम। तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो ये चंदना थी। लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आया है, तो रिपीटेड है चीज़ें हैं। तो ये इंद्रभूति पुरुष था जो, यानी कि ये भी प्रधान बनता है, और लेडीज़ की ये चंदना बनती है। तो इसके टाइम में 318,000 चंदना के टाइम, यानी कि लेडीज़ थी, और इंद्रभूति के जो इसके अंडर में थे 159,000 व्यक्ति इसके अंडर थे। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सत्रिज वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो ये पता है हमें कि अजात शत्रु ने इस चीज़ का दावा किया था कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, तो इसका वर्णन मिलता है हमें। तो ये हमें याद रखने हैं कि ये आठ जगह पर स्तूप बने थे जो उनकी अस्थियों के ऊपर बने थे बुद्ध की। तो ये आठ जगह हमें याद होनी चाहिए, मगध में अजात शत्रु, वैशाली लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप्पम के बुली, रामग्राम के कोली और वेठदीप के ब्राह्मण, पावा के मल, कुशीनारा के मल। तो इन्होंने आठ जगह पर, यानी कि आठ जगह पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों को दफनाया गया था। फिफ्थ देखिए, निम्न में से दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और कारण है। तो इसमें हमें क्योंकि लगा के देखना होता है, बीच में यहाँ पे आप क्योंकि लगाइए और ये चेक कीजिए कि ये सही सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। कथन देखिए, वीर सा संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। तो ये जो ए है वो सही दिया गया है वीरसा संप्रदाय के बारे में, क्योंकि एक क्रांतिकारी टाइप से ही आंदोलन बन गया था ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध। इसके संस्थापक बसवेश्वर स्वयं ब्राह्मण वर्ग के थे, तो ऐसे ये गलत दिया गया है क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग के नहीं थे बसवेश्वर। तो इसके अनुसार जिसका राइट आंसर होगा ए गलत है, ए सही है और आर गलत है। वीरसा संप्रदाय जो थे ये इसमें इसके बारे में दिया गया है। ये आते हैं महाभारत युद्ध के लिए 3100 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है पुलकेशन द्वितीय के अहोल अभिलेख के अंदर, जो हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच लड़ाई का भी इसके अंदर वर्णन मिलता है, और रवि कीर्ति ने इसे लिखा है। और रवि कीर्ति समय को भारवी और कालिदास के समान उसमें अपने आप को बताता है। संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है। निम्न में से किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया? ये किया है मामूलनार ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता है ये। गरनंद नंद जो था वंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने इसको अग्रमीज कहा है और यह लोभी था। कथासिद्ध सागर और नंद की 99 करोड़ मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। मामूलनार क्या बताता है कि उन्होंने अपना धन जो था गंगा की धारा में छिपा कर रखा हुआ था। तो आप इसको भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि डिटेल के अंदर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? तो
ये लक्षणाध्यक्ष था, और सवर्णिक जो सवर्णिक होता था आभूषण के लिए होता था, पण्याध्यक्ष जो था व्यापार के लिए होता था, और पटलाध्यक्ष जो था ये भू राजस्व से संबंधित था। तो आप इसके बारे में डिटेल यहाँ पोज करके पढ़ सकते हैं। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवृत्त विचारों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है हमें प्रथम पथिक कलिंग अभिलेख के अंदर। तो इसके अंदर अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो, तो संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कोवेरी पत्तनम गोर निम्न नाम से जानते थे। तो ये जानते थे पुहार के नाम से, और पुहार जो था ये प्राचीन बंदरगाह था और वाणिज्यिक केंद्र था। और टालमी ने खेबीरस के रूप में इसका उल्लेख किया है। पुहार में यमन लोग बड़ी संख्या में रहते थे, और ये याद रखना आपको, टालमी ने इसको खेबीरस इसको बोला है, नाम याद रखना आपको। और इनको आपस में मैच करना है कूट से। कुरल जो है किसकी रचना है? तिरुवल्लुवर की है। और जो तिरुमुरे है नम्बी अंडर नम्बी की है। और शिल्पाधिकारम जो है सतनार की है। शिल्पाधिकारम दोस्तों इलिंगो अडिगल की है, मणि मेखले सतनार की है। तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर खुद कीजिए, डी 20 का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? स्नान किस संस्कार को बोलते हैं? तो समावर्तन के अंदर पहले स्नान होता है, तो ये याद रखना है आपको। स्नान इसके बारे में दी गई डिटेल है, ये गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता है, और इससे पूर्व ब्रह्मचारी के केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, डिटेल काफ़ी अच्छे से दी गई है। एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई हैं, क्या बनी हुई है वहाँ पे? शैव मूर्तियाँ हैं एलिफेंटा के अंदर। ये पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। जो गुफा मंदिरों का निर्माण इसके अंदर राष्ट्रकुल शासकों द्वारा कराया गया था, और 5 गुफा मंदिर प्राप्त होते हैं जिनमें हिंदू धर्म शिव है इसमें, और ये 2 बौद्ध गुफाएँ हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिए गए हैं। निम्न से किस नरेश का जन्म उसके पिता के अभियानों के क्रम में एक सैनिक छावनी में हुआ था? तो ये थे राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम, जिसको कविराज मार्ग की उपाधि भी प्राप्त है। और ये इन्होंने कन्नड़ भाषा में ग्रंथ भी लिखा था। किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिरभोज के शासनकाल में भारत आया था? तो ये था सुलेमान। इसका जो मिहिरभोज का टाइम पीरियड 836 से 885 है। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था ये, और कल्हण तथा अरब यात्री सुलेमान के विरोधों से हमें उसकी घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मिहिरभोज की जानकारी देता है वो कल्हण और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों में उसकी जानकारी मिलती है। कल्चरी नरेश गंगे देव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह है, तो ये क्या है? लक्ष्मी का चिन्ह उसके सिक्कों पर मिलता है। ये सर्वाधिक यानी कि सर्वश्रेष्ठ ये एक राजा हुआ है कल्चरी नरेश, और इसके ही सिक्कों पर क्या है, लक्ष्मी की आकृति है, और जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए इस पर लक्ष्मी की आकृति खुदी हुई थी, और ये सिक्के सोने चांदी और तांबे तीनों के प्राप्त होते हैं। चालुक्य कालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये है बादामी के अंदर। बादामी में प्रसिद्ध चालुक्य मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासक मंगलेश ने पूरा करवाया था, ये भी आपको याद रखना, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। कीर्तिवर्मन के इस टाइम पे शुरू होता है, और मंगलेश इनको क्या है, पूरा करवाता है। बादामी के चालुक्यों के मंदिर जो बने हैं वहाँ पे, निम्न खगोल शास्त्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके हिसाब से जो आंसर बनता है, डी इसका दिया गया है, पहले वारमहिर, और सी ब्रह्मगुप्त, और बी भोज भास्कराचार्य लास्ट में आए 4 नंबर पे। इसमें इनकी डिटेल दी गई है कि कौन किस टाइम पे आया। ब्रह्मगुप्त का जो टाइम है 598 से 668 है, और भास्कर द्वितीय का ये है, ये लास्ट में आएंगे। तो इनकी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि है, ये भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी ये। नाटककार भवभूति के निम्न में से किन रचनाओं को लिखने का श्रेय दिया जाता है? भवभूति की रचना यहाँ हमसे पूछी गई है, तो भवभूति ने लिखी है ए महावीर चरित, मालती माधव,
और उत्तर रामचरित, तो ये इनकी तीनों रचनाएं हैं। सी इसका आंसर दिया गया है। ये इनके बारे में थोड़ी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में रामपाल के टाइम में थे ये। नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मुद्राएं इनमें से किस मंदिर में प्रदर्शित हैं? तो ये है वर्धेश्वर मंदिर के अंदर, जिसको राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था। तो कौन सा यो युगम है सही सुमेलित नहीं है? तो ये सारे ही सही सुमेलित हैं। अगर इनको हम देखते हैं तो वर्ण जो वैशेषिक है कणाद का है, उत्तर मीमांसा अवधारण की है, पूर्व मीमांसा जैमिनी की है, न्याय गौतम का है। तो ये जो UGC उस टाइम पे एग्ज़ाम लेती थी, तो ये सबका सही हुआ था, गलत था दिया गया, कोई भी गलत नहीं था इसके अंदर, क्वेश्चन ही गलत दिया गया था। तो ये भी यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, षट दर्शन के बारे में, जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दिया गया है। मंदिर की पांड्या शैली का चरमोत्कर्ष निम्न के मंदिर सकुल में है। तो ये है श्रीरंगम, सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर माना जाता है ये। तो इसकी आप डिटेल यहाँ देख सकते हो। खिजर खान और मलिका जहान जो है दावतें उड़ाने और रंगरेली बनाने में लगे रहते थे, और सुल्तान के इलाज और तमीरदारी पर कतई ध्यान नहीं दे रहे थे। सुल्तान को लगा कि इसकी बीमारी की वजह से उनके द्वारा की जा रही उपेक्षा ही है, और उसका जो दिल टूट गया, उसने खुद को उनसे बिल्कुल अलग थलग कर लिया। यह कथन किस सुल्तान के बारे में है और उसका स्रोत क्या है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और इसका जो स्रोत हमारे पास है वो है तारीख़ फरिश्ता के अंदर, ये बात कहता है बरनी। बरनी नहीं दोस्तों, तारीख़ फरिश्ता फरिश्ता की है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही नहीं है इसमें आंसर आप देख सकते हो, ये डी वाला गलत दिया गया। जियाउद्दीन बरनी की फतवा ए जहांदरी और मोहम्मद कबीर की अफसाना ए शहाना, फ़क्र मुदबिर की है आदाबुल हर्ब व शुजात, ये कई बार रिपीट हुई है, ये बुक बार बार हमसे पूछी गई है ये बुक, तो आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं। और जो ये सद्दीन मोहम्मद ओफी ने जुआमेउल इकामत और लुबाबल अबल ये अलबाब की रचना की है, ये ऊपर वाली की नहीं की। विजयनगर राज्य जो है इस्लाम के विरुद्ध हिंदू वर्णाश्रम धर्म के रक्षक के रूप में गौरवान्वित था, लेकिन उसके प्राथमिक शत्रु हिंदू राजे महाराजे ही थे, और शहर के भीतर एक तुरुस्क आवास, एक मस्जिद और एक मुस्लिम मकबरा बना हुआ था। अपने भव्य वास्तुशिल्प, सैन्य संगठन और शहरी मिजाज के वह कई अर्थों में हिंदू के बदले किसी मुस्लिम राजधानी की तरह लगता था। तो ये किसका कथन है? ये है बटनस्टाइन का। तो इन्होंने ये डिटेल दी है उसके बारे में। तैमूर के आक्रमण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तैमूर ने कुशल कारीगरों से हिंदू नदी पर एक पीपो का पुल बनवाया, जिसे 21 सितंबर 1398 को पार किया, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और ये तैमूर पर कई बार क्वेश्चन आया है नेट के अंदर, तो ये ध्यान रखना आपको। तालिमी शहर जो मुल्तान से 35 फरखास की दूरी पर था, वह हिंदू और मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था, तो ये यहाँ गलत दिया गया है बी। और जो राइट दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। साल्ट रेज कोए जूद के मुकदमों और रायों में ने तैमूर को अपना इलाका पार करने में मदद की और अनुग्रह प्राप्त किया, तो ये सही दिया गया है। और 4 भी सही दिया गया है। सरफुद्दीन अली यजदी ने भारत पर तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए तर्क दिया कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता हालांकि मुसलमानों के हाथ में थी, वह कमज़ोर थी। और ये दी थी सरफुद्दीन अली यजदी ने भारत के तैमूर के आक्रमण का औचित्य साबित करने के लिए तर्क देते हैं वो। तो अभी कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। किलों के निर्माण और जनजातियों को दंडित कर तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की उसकी आवाजाही सुरक्षित रहे, तो ये बिल्कुल सही दी गई है। उसने ऐसा ही किया था ताकि उसके मार्ग सुरक्षित रहे आने जाने का। और तैमूर के क्रूर तथा आक्रामक तरीकों से किए गए पुर्नियान, एक जनजाति थी पुर्नियान और कलातियान नामक दो अफगान जनजातियों के विनाश और नरसंहार ने उन मार्गों की सुरक्षा के लिए भय और आतंक का वातावरण पैदा कर दिए। बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है। और यहाँ क्योंकि लगा के अब इनको दोनों को अगर पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल व्याख्या करता है इस चीज़ की।
ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसे खर्च नहीं करते, वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहे हैं फरीद, यहाँ पे ये बात कह रहा है। बाद में जो शेर शाह इसका नाम था फरीद का, इनको सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो अमीर है जो हाजिब होता है, वह होता है मुख्य प्रबंधक। तो मीर ए अर्ज होता है गुप्तचर, यानी कि मीर ए अर्ज होगा जो केंद्र में सेना का प्रमुख होता है। और मुशर्रफ जो होता है ये होता है लेखाकार। और ब्रीद को हमें बताया कि गुप्तचर ब्रीद को बोलते हैं। तो इस हिसाब से अपन सर इसके देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं हमें देखने हैं, चैतन्य के अनुसार पूजा में प्रेम और भक्ति तथा गीत और नृत्य सम्मिलित है जो हर्षोन्माद की अवस्था प्रदान करते हैं, जिसमें भगवान हरि की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। तो इसके अंदर ए सही दिया गया है, सही नहीं हमें देखना है। अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की जो हकायत हिंदी वैष्णव संतों के भक्ति गीतों का सूफियों पर प्रभाव दर्शाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में कहीं भी आ सकती है, तो याद रखनी है आपको। बिलग्रामी की हकायत हिंदी और इसके अंदर वैष्णव संतों के भक्ति गीतों का सूफी पर प्रभाव दिखाया गया है। कर्नाटक की महादेवी जो अक्का थी, कश्मीर की ललेश्वरी और राजस्थान की मीराबाई संभवतः यह प्रदर्शित करती है कि भगवान को प्रेम करने की उनके भीतर अंतर्निहित आकांक्षा का दुनियाई शादी से मेल उठाना संभव नहीं था। ये बिल्कुल बात यहाँ पे करेक्ट दी गई है। तो डी बिल्कुल गलत दिया गया है। कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि ने स्थानीय परिवर्तनों को अस्वीकार कर एक शुद्धतावादी आंदोलन की शुरुआत की। तो ये यहाँ गलत दी गया है, डी इसका आंसर है। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया है? तो ये दिया गया है मुनशात ए नमकीन, जो जहांगीर के टाइम में लिखी गई थी। और इनको क्या करना है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, यानी कि ये कौन से टाइम पे कौन सा जो प्रांत है बना है। तो निजाम शाही बनता है 1489 से लेके 1636 तक इसका टाइम रहा। कुतुब शाही राज्य का टाइम पीरियड था 1512 से लेके 1687 तक। आदिल शाही राज्य का जो टाइम है वो है 1489 से 1686 तक। मराठा राज्य रहा 17वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है। तो इसका बी इसका राइट आंसर है। मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो कहलाता था काजी असकर, इसको बोलते थे। ग्राम समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो सही नहीं हमें देखने हैं। बर्नियर के अनुसार भारतीय किसान स्तरीकृत नहीं थे, तो ऐसा बर्नियर ने नहीं कहा, तो यही सही नहीं है, बाकी सही है। ग्राम्य समुदाय आंतरिक विरोधाभास और अंतः शोषण भरा हुआ था, सही दिया गया। उच्च वर्गीय किसान उत्तर भारत में खुद कास्त राजस्थान गरुहला और महाराष्ट्र में मिरासदार के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल सही दिया गया है ये भी कथन। और निम्न वर्गीय जनसंख्या फसल के समय खेतों में काम करने के लिए सुरक्षित थी, उनसे बेगार भी करवाई जाती थी, ये भी बिल्कुल सही दी गई है। तो ए इसका राइट आंसर है। दो तर्क दिए गए हैं यहाँ पे भी, इनमें हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्या इसकी व्याख्या सही है या नहीं है। तो 1574 में अकबर ने अमीरों नौकरशाही शाहों और सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवातंत्र में बदल दिया। यह मनसब किसी अधिकारी के पद वेतन और सैन्य दल के आकार को इंगित करता था, बिल्कुल सही दिया गया है। व्यवहारिक स्तर पर कुछ बहुत छोटे या धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी शेष अधिकारी मनसबदार थे और किसी अधिकारी की पदोन्नति या पदोन्नति इस तथ्य से निर्धारित होती कि उसके अधीन कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए हैं। तो ये बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल राइट बैठ रही हैं और ये व्याख्या भी सही कर रहा है, अगर क्योंकि लगा के इसको देखा जाता है तो इसकी सही व्याख्या कर रहा है अकबर के बारे में, बिल्कुल ये सही बता रहा है मनसबदारी प्रथा के बारे में। तो ये आ गया जरोखत दर्शन, बादशाह के दर्शन से दिन की क्या होती थी शुरुआत करना, दैवीय आशीष को हस्तांतरित करने का प्रतीक है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। और दर्शनी संप्रदाय इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये बादशाह के दर्शन से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है।
दोनों ही सही दिए गए हैं, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या ए इसकी आर नहीं करता, तो बी इसका राइट आंसर है। वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? तो यह था वतन जागीरों की आय का भाग। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। वतन जागीर मुख्यतः राजपूतों को प्रदान की जाती थी और इसमें प्राय उनका अपना क्षेत्र उन्हें जागीर के रूप में दे दिया जाता था। इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुसार कि मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 ईस्वी तक 125 मिलियन पर स्थिर रही, कोया तर्क देते हुए स्वीकार किया कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया। तो यह कहकर इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के इसको यानी कि अस्वीकार कर दिया इस तर्क को। कौन से कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर हमें सही नहीं देखने हैं, अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अकबर के दरबार में जो पहला साहित्यिक कार्य हुआ वह उसके दादा बाबर नामा का फारसी में अनुवाद, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। बाबर नामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना खान ए खानन ने किया, जो बैरम खान के पुत्र और तुर्की भाषा के कवि थे। बिल्कुल सही दी गई है। हिंदी को सूर सुल्तानों यानी कि जो सूर सुल्तान यानी कि जो इस्लाम शाह शेर ससूरी हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, द्वारा अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। बताया जाता है कि यह प्रथा लोधी सुल्तानों ने शुरू की थी। बाबर कहता है कि ज़्यादातर अफगान फारसी नहीं बोल पाते थे, तो यह प्रथा लोधियों ने शुरू की थी। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है इसके बारे में, तो डी यहाँ पर गलत हो जाता है। अकबर के दरबार में शेख याकूब फारसी ने उन महान विद्वानों में से एक था जो ईरान से आकर भारत में बस गए थे, ये बिल्कुल गलत दिया गया है यहाँ पे। गुलबदन बेगम ने मक्का जाने वाले एक सहज शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था और 1582 में वापस लौटने से पूर्व वहाँ 2.5 वर्षों तक रही, इनमें से कौन सी ईसाई महिला इस शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थी? तो इसमें से कौन सी नहीं थी? तो हमीदा बानो बेगम थी जो इसका हिस्सा नहीं बनी थी और इसका नेतृत्व किया था गुलबदन बेगम ने। भक्ति आंदोलन के कथनों पर विचार करना है और देखना है कि इसमें से सही जवाब कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। रामानंद ने अपनी पुस्तक जो रामानंद की बुक है आनंद भाष्य में शूद्रों के वेद पढ़ने के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। रामानंद के बारे में काफ़ी अच्छा फैक्ट दिया गया है ये। ज्ञानेश्वर की भावार्थ दीपिका जो ज्ञानेश्वरी है इसको बोलते हैं, भगवद गीता की मराठी में की गई व्याख्या या टीका है, ये बिल्कुल सही दी गई है। मराठी भाषा में ही उसका उन्होंने अनुवाद किया था, ये बिल्कुल सही है। चैतन्य ने शिष्य चंडीदास ने के शिष्य ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में बताया है कि चैतन्य किस तरह से निम्न जाति के लोगों से मिलते जुलते थे, तो ये गलत दिए गए हैं यहाँ पे। 17वीं सदी के एक सूफी ग्रंथ मीरात उल असरार में कबीर को एक फिरदौसी सूफी बताया गया है, बिल्कुल करेक्ट बात दी गई है। आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कौन सी बुक में कबीर को सूफी यानी फिरदौसी बताया गया, तो यह है मीरात उल असरार। तो ए बी और डी इसका राइट आंसर है, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न से कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं हमें देखने हैं। फतेहपुर सीकरी मेहराबदार और धरणी स्तंभ का दार शैलियों का कौशलपुर सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही दिया गया। आगरा किले और फतेहपुर सीकरी शहर के निर्माण में लाल बलो पत्थर सामग्री की योजना यानी कि सही दिया गया। फतेहपुर सीकरी की योजना अकबर की धार्मिक नीतियों के अंतिम प्रारूप के बाद बनी थी, ये बिल्कुल गलत दिया गया, क्योंकि फतेहपुर सीकरी उसकी जो धार्मिक नीतियाँ उससे पहले यानी कि बाद में हुई थी। फतेहपुर सीकरी की योजना फतेहपुर सीकरी से पहले बन गया था और उसकी धार्मिक योजनाएं बाद में हुई थी, यानी 1582 के बाद उसने ये चीज़ें एक्टिविटी धार्मिक जो भी थी बाद में की थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी पहले ही बन के तैयार हो गया था। अकबर का अपना समय का मकबरा सिकंदरा में उसके बेटे जहांगीर द्वारा बनाया गया था, ये बिल्कुल सही दिया गया, तो सी इसका राइट है। निम्न में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? तो हुमायूं का जो मकबरा है सबसे पहले बना है, ऐसी मूल प्राणी स्थापत्य जिसकी प्रेरणा ईरानी वास्तुकला और उसका मूर्त रूप भारतीय है, आपको याद रखना है। चित्रकला के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही है वो देखते हैं, मूर्तिकला की तुलना में चित्रकला को लेकर मुसलमानों का रुख अपेक्षाकृत कम सकता, चित्रकला को लेकर इनका रुख
कम सख्त था, क्योंकि ये मूर्तियों को यानी कि मूर्ति से घृणा या कुफर इसको बोलते थे, मूर्ति वगैरह ये नहीं बनाते थे, चित्र वगैरह ये बना लेते थे मुस्लिम। तो ये इस दिया गया है, हिंदुस्तान से बाहर के मुसलमानों के बीच विशेषकर निजी भवनों की दीवारों पर चित्रकारी करने की प्रथा पहले से ही मौजूद थी। तो ये सही दिया गया है, हिंदुस्तान से बाहर चित्रकारी वगैरह पहले ही होती थी। जैसे कि बाबर भी उल्लेख करता है कि उसको जो वहाँ के चित्रकार थे, नाम मुझे अभी उसका ध्यान नहीं आ रहा, फारस साइड से, तो उसका जिक्र करता है वो कि मेरा मन इच्छा थी उसकी कि उसको लेके आए। मुगल बादशाहों ने लघु चित्रों की जिस कला को संरक्षण और बढ़ावा दिया, वह असल में अरब में ईरानी चित्रकला की एक शाखा थी, जिसमें रेखाओं पर जोर रहता था और ब्यौरे की बारीकी पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था और संदर्भ के प्रति सुचिंतित निरपेक्षता होती थी। सही दिया गया और डी गलत है। मशहूर चित्र अबू समद और मीर सैयद अली काबुल से अकबर के साथ भारत आए, तो ये गलत दिया गया है क्योंकि ये दोनों हुमायूं के साथ आते हैं, यहाँ अकबर नहीं आएगा, तो ये गलत दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे भी ये बताया गया है कि हुमायूं के साथ आए थे। इन बुक्स को क्या करना है, फारसी किताब और क्षेत्र, ये किस किस क्षेत्र की बात करती है, हमें जानकारी देती है। तो जो खुलासत उल तारीख है ये हमें बताती है बंगाल और उड़ीसा के बारे में। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यानी कि दो तीन बार मैंने देख लिया, ये आया ही आया है। मिरात उल हकीकत जो है ये बताती है गुजरात, दिल्ली और आगरा के बारे में। रियासत अल सलातीन जो है ये बताती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बारे में। और तूफ़ात उल किराम जो है सिंध का वर्णन करती है, तो आप डिटेल देख सकते हैं रोक करके। जो कथन वाले क्वेश्चन आए हैं, मध्यकालीन भारत में यहाँ के उत्पादकों द्वारा तकनीकों के विकास तथा मशीनीकरण की उपेक्षा के अनेक कारण थे, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। किसी भी सुधार में जोखिम था और उसके लिए पूंजी की ज़रूरत भी थी। हिंदुस्तानी कारीगरों का मुनाफा इतना मामूली था कि वे ऐसी किसी कोशिश में हाथ नहीं डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में तकनीकी सुधार का दायरा वहीं तक सीमित रहता है जो राज्य या कुछ धनी व्यापारी द्वारा शुरू किया जाता। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है और व्याख्या भी आंशिक रूप से बिल्कुल सही दी गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस बैप्टिस्ट मशीनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवादी सिद्धांत में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की, तो ये थे विलियम एडम। आपको याद रखना है विलियम एडम थे, ये विलियम एडम बैप्टिस्ट मशीनरी था, उसने राजा राम मोहन के साथ मिलकर कोलकाता में एक ये मिशन था। इसकी डेट आप याद रखिए, शायद 1824 या 28 कुछ ऐसे डेट है, सर्च करना आप ताकि आपके भी याद हो जाए। साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल के संबंध में निम्न से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं दिया गया है, तो जेम्स मिल की यहाँ बात हो रही है। मिल अपने समय का एक प्रमुख क्या था, उपयोगवादी था, ये बिल्कुल सही दिया गया है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन, यानी कि मैं दूसरी बार ये क्वेश्चन देख रहा हूँ और ये उपयोगितावादी वर्ड उसमें दिया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये इसकी बुक है, लिखते समय वह यात्रियों की जानकारियों पर अधिक निर्भर था, यानी कि जो भी यात्री वगैरह यहाँ पे आए उनके वृत्तांतों के आधार पर इसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी बुक। जो उसने माना कि भारतीय जो संस्कृति है गतिहीन थी और उसका रूपांतरण पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत था, तो ये भी सही दिया गया है। डी यहाँ देखते हैं, उसने प्राचीन भारतीय संस्कृति पर विलियम जोन्स और अन्य प्राचार्यों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार किया, तो ये गलत दिया गया है क्योंकि इन्होंने प्राच्यवादी विचारों को अस्वीकार कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, तो ए ओ ह्यूम ने स्थापना जरूर करवाई थी इसकी, लेकिन ये कभी अध्यक्ष नहीं रहा। विलियम वेंडरबिल्ट 1888 के अंदर बनते हैं और जॉर्ज यूल जो बनते हैं ये बनते हैं 1800 जॉर्ज यूल बनते हैं 1888 के अंदर और ये बनते हैं विलियम वेंडरबिल्ट 1889 के अंदर। हेनरी कॉटन बनते हैं 1904 के अंदर, तो ए ओ ह्यूम कभी भी, लेकिन हाँ ए ओ ह्यूम जो थे इसके सचिव रहे थे, ये जरूर याद रखिए आप, ये इसके सचिव रहे थे 1885 जब ये बनती है तब से लेकर
गरम दल तक यानी कि 1905 तक। 1909 में इंग्लैंड में इंडिया काउंसिल के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नियुक्त किए गए? तो ये थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। निम्नलिखित युगों में से दी गई रियासतों में किन्होंने अपने राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम की थी? तो ये थे मैसूर और हैदराबाद, एक में शायद 1916 के अंदर और हैदराबाद में 1918 में, और ये डेट भी दी गई है नीचे। बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया? ये किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा हुई थी इसकी 19 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो गया था। निम्नलिखित से किस तिथि को एडविन मार्टिंग्यू ने प्रशासन के प्रत्येक भाग में भारतीयों के साथ सहायता बढ़ाने की ब्रिटिश नीति की ऐतिहासिक घोषणा की थी? की थी 20 अगस्त 1917। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज्य था? तो ये था बीकानेर ने सबसे पहले किए थे इसके ऊपर। तो यह एक प्रकार का सम्मेलन पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत रियासत भारतीय राष्ट्र संघ में शामिल हो जाता था। सबसे पहले बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे और ये स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट एक प्रकार से यह स्थिति के लिए सहमति पत्र था कि हम ऐसे ही इसी स्थिति में रहेंगे जैसे कि हम पहले हैं। यह वह कोई एग्रीमेंट था। द्वै शासन यानी कि डायरकी के बारे में से कौन सी आलोचना तर्कसंगत नहीं थी? तो प्रांतीय स्तर पर विषयों का दोषपूर्ण विभाजन आलोचना तर्कसंगत देखनी है। तो इसमें नवनियुक्त मंत्री अनुभवी ने योग्य थे, ये गलत दिया गया है यहाँ पर। तो ये तीनों इसमें सही दिए गए हैं। निम्नलिखित से उस संगठन की पहचान कीजिए जिसने सामाजिक आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया जिन्होंने महिला उत्थान पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो देव समाज था। तो देव समाज के बारे में आप ये पढ़ सकते हो, थोड़ा इसमें डिटेल दी गई अच्छे से। विधान परिषद में स्वराजवादियों के प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 57 का आंसर है सी, औपनिवेशिक राज्य को समाप्त करने के लिए संघर्ष के तौर पर इसका उपयुक्त मंच के रूप में उपयोग किया गया। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक इतिहासकार के रिक्टर सारणी पर मापा गया अब तक का सबसे व्यापक भूचाल निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो ये है ग्रेट डिप्रेशन से संबंधित, आर्थिक महामंदी को बोलते हैं। किस संदर्भ में सर्वोच्चता यानी कि परमांशी शब्द का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटिश ताज और भारतीय रियासतें राज्यों के बीच संबंध का वर्णन करने के लिए। राष्ट्रीय निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों या सुधारकों में से कौन रूढ़िवादिता का समर्थक नहीं था? वकार अल मुल्क जो लीग के अध्यक्ष थे पहले, तो ये आधुनिकता के समर्थक थे। और बाकी तीनों जो दिए गए हैं रूढ़िवादी के समर्थक थे क्योंकि ये विकार उन्मूलक जो थे आधुनिक विचारों के समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीब उल अखलाक, सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर आया दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो, सर सैयद अहमद खान। और इसके इनके बारे में थोड़ा दिया गया है, यह पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था? तो माइकल मधुसूदन दत्त जो हैं राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं थे, ये तीनों ये चित्रकार थे। और मधुसूदन जो है ये बंगला भाषा के प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। इन्होंने मेघनाथ वध काव्य प्रमुख है। मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में से किसने भाग नहीं लिया? तो ये नहीं लिया था मोहम्मद शफी ने, इन तीनों ने लिया था। निम्नलिखित से कौन सा कथन इरविन गांधी संधि के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही है वो देखिए, हिंसा के लिए दोषी व्यक्ति को ये सही नहीं दिया गया यहाँ पे, यही गलत है। सरकार अभी तक जमा नहीं हुए सभी जुर्माने को माफी पर सहमत हो गई, इस्तीफा दे चुके सरकारी कर्मचारी भी उदार व्यवहार किया जाएगा। सरकार के समुद्र तट के किनारे रहने वाले ग्रामीणों के उपभोग के लिए बनाने के अधिकार की स्वीकृति प्रदान कर दी थी, ये बिल्कुल सही दी गई है।
कथन कारण का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को रियासती राज्यों को स्वतंत्र दर्जा दिए जाने का विचार पसंद नहीं आया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख नेताओं को रियासती क्या थे, जो रियासती राजा नेताओं रियासती राज्यों को स्वतंत्रता दर्जा दिए जाने का विचार क्या है, इसको पसंद नहीं आया। तो ए यहाँ सही लग रहा है, आर देखते हैं पढ़ करके कैसे सही है या नहीं है। ऐसा माना गया है कि उनके स्वतंत्र राज्यों के अस्तित्व से भारत के एक प्रगतिशील राष्ट्र बनने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो असर तो पड़ना ही था, नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो असर तो पड़ता, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही और आर गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू कहाँ पर नमक डिपो को दावा बोलने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करती है, तो ये करती है धरासना के अंदर। कानपुर के अंदर ये महिला अध्यक्ष रही थी, जो कानपुर में जो हुआ था उनसे कुछ। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो ये ली गई है आयरलैंड से। भारतीय संविधान के विषय में क्वेश्चन है ये, इनको क्या है आपस में मैच करना है कि कौन सी जो बुक है किसकी है। आर पाम दत्त की मार्क्सवादी है, रणजीत गुहा की उपाश्री, यानी कि ये उपाश्री उससे बुक नहीं है दोस्तों, ये इतिहास लेखन के विचार हैं। विचारधारा कौन सी विचारधारा समझते हैं, जो हंटर जो है साम्राज्यवादी विचारधारा के समर्थक है, बी डी बसु जो है राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। निम्न से कौन एक उत्तर आधुनिकवादी समालोचक नहीं है, तो इसमें बी नहीं है, बाकी ये सारे जो हैं उत्तर आधुनिकवादी हैं। किस समालोचक हैं, किस स्थान से मानव जीवाश्म के अवशेष अवस्थाने पुनर्पाषाण करने उपकरणों के साथ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हथनोरा से। निम्न से कौन सा एक कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, तो यह एक दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही दिया गया। हड़प्पा लोग सभ्यता के लोगों ने पहली बार परिवहन के लिए पहिए का यूज़ किया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के साथ घनिष्ठ क्या था, व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के साथ व्यापारिक संबंध, घनिष्ठ तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हाँ कुछ मिलता है, लेकिन इतना उसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि घनिष्ठ था। हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं दक्षिण तुर्कमेनिस्तान में पाई गई हैं, तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। निर्मित देशी लेखकों पर विचार करना है और इनका कालानुक्रम इनको लगाना है, तो सबसे पहले आएगा टीसीएस, सेकंड पे आएगा मैगस्थनीज, फिर आएगा पिलनी और टालमी आएगा फोर पे। तो इसका टाइम पीरियड आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे इनका टाइम पीरियड वगैरह दिया गया है। और ये जो हैं लेखक और इनका स्रोत दिया गया है, वाचस्पति की है विवाद चिंतामणि और रघुनंदन की है स्मृति तत्व, कमलाकर भट्ट की है निर्णय संधु, मित्र मिश्र की है वीर मित्रोदय। तो ये आप इसको देख सकते हो। जैक्स डेरिडा की विनिर्माण की पद्धति मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन मुख्य रूप से इनमें से किस में सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, इनकी बुक थी ग्राफ ग्रामाटोलॉजी, इसके अंदर इन्होंने सिद्धांत का मेथड ऑफ डिस्ट्रक्शन का इन्होंने सिद्धांत इसमें दिया है। इतिहास लेखन के संदर्भ में रीडी को समझने में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो उनका लेखन एक पद्धति को प्रतिबिंबित करता है जो समाज विज्ञान मानव विज्ञान पुरातत्व के साथ ऐतिहासिक अन्वेषण को जोड़ता है, ये सही दिया गया इनके बारे में। उन्होंने भारतीय इतिहास के अति सूक्ष्म और भ्रामक काल विभाजन को स्वीकार किया, ये गलत दिया गया है। उन्होंने अंग्रेजों के यानी कि इतिहास लेखन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और जो भ्रामक काल उन्होंने दिए है जैसे कि आधुनिक मॉडर्न, उन्होंने इसको भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजवंशी तालिकाओं और विजयों के अभिलेखों को अस्वीकार कर दिया, ये भी सही दिया गया है। वह उत्पादन की पत्तियों में सामाजिक संगठन के प्रकार में अधिक रुचि रखते थे, ये भी सही दिया गया। इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी जो गलत है, और
ये थे हमारे दोस्तों 75 क्वेश्चन, इसकी थोड़ी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।